हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम अशोक मित्रान जो दक्षिणी राइटर है उनका लिखा हुआ पोइट्स एंड पेनकेक्स लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार से अशोक मित्रान जेमिनी स्टूडियो में बिताए गए अपने साल, बिताए गए अपना समय उसका वर्णन करता है, किस प्रकार से वहाँ पे फिल्में बना करती थी, किस प्रकार से आर्टिस्ट क्या क्या रोल हुआ करता था, उसमें जो सदस्य हैं उनके बारे में बताता है, जो अपन सारा का सारा एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 59 पे उनके आंसर्स हम कर रहे हैं। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाई द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। फायरी मिजरी से क्या मतलब है राइटर का, जो लोग मेकअप करवाने आते थे उनके। देखो मेकअप जब करवाने आते थे लोग, तो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था उसमें बहुत सारी लाइट्स होती थी, और बहुत सारी लाइट्स होती थी उनकी इतनी गर्मी हो जाती थी कि वो झुलसाने वाली थी। अब झुलसाने वाली गर्मी से मतलब है इसका। देखो आंसर में अपन ने क्या लिखा है, द मेकअप रूम हैड लाइट्स, मेकअप रूम में लाइट्स थी ऑफ मच हीट, अत्यधिक गर्मी वाली, सो बाई द फायरी मिजरी, झुलसाने वाले संकट, झुलसाने वाले कस से मतलब है, द राइटर मीन्स राइटर का मतलब है टू से कहने का, दैट द एक्टर्स हैड टू बियर इंटेंस हीट, कि उन कलाकारों को अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ती थी, इंटेंस अत्यधिक हीट गर्मी ऑफ द लाइट्स, उन लाइट्स की, इन द मेकअप रूम, मेकअप रूम वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू। ऑथर कौन से नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, कौन से राष्ट्रीय एकता की बात करता है। देखो जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे कलाकार थे, बहुत सारे अन्य काम करने वाले लोग थे, और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, कोई किसी राज्य से था, कोई किसी राज्य से था, और वो सब मिलकर एकता के रूप में वहां पे काम किया करते थे। और ये इसमें लिखा है, देखो क्या लिखा है, There were many people from different states, बहुत सारे राज्यों से भिन्न भिन्न लोग थे, speaking different languages, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, in the makeup department, makeup department में they all worked together, वे एक साथ काम करते थे, so it was an example of national integration, इसलिए राष्ट्रीय एकता का एक example था। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, What work did the office boy do in the Gemini Studios? Why did he join the studios? Why was he disappointed? देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्या काम करता था वो जेमिनी स्टूडियो में? वो उन लोगों का मेकअप किया करता था जो भीड़ वाली भूमिका निभाते थे, बहुत सारे लोगों की भूमिका निभाते थे। उसने जेमिनी स्टूडियो में ये बनने के लिए ज्वाइन किया था कि मैं एक बड़ा सा राइटर बनूंगा, एक बड़ा सा हीरो बनूंगा, एक बड़ा सा डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन वो बन नहीं पाया और इस वजह से वो क्या था, डिसअपॉइंट था। देखो द ऑफिस बॉय डिड मेकअप, ऑफिस बॉय किया करता था मेकअप ऑफ द एक्टर्स, उन कलाकारों का, हु प्लेड द क्राउड, जो भीड़ की भूमिका निभाते थे। ही ज्वाइन द स्टूडियोज, उसने स्टूडियो ज्वाइन कर रखा था, इन द होप, इस आशा में, टू बिकम ए स्टार एक्टर, कि वह एक स्टार एक्टर बनेगा और ए टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर एक बड़ा सा लेखक बनेगा, ए डायरेक्टर डायरेक्टर बनेगा, और लिरिक्स राइटर, या फिर गाने लिखने वाला लेखक बनेगा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था, बिकॉज हिज टैलेंट वाज गोइंग वेस्ट, क्योंकि उसका टैलेंट बर्बाद होने जा रहा था, वेस्ट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। भाई ऑथर का काम क्या था स्टूडियो में, अशोक मित्रान का क्या काम था, वो बैठा रहता था अपनी सीट पे और न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स थी ना वो काटते रहता था, इसलिए जो कोई देखता था वो मानता था कि इसके पास कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं करता है। देखो क्या लिखा है, द ड्यूटी ऑफ द नैरेटर वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटने की ड्यूटी थी नैरेटर की, एंड टू स्टोर देम, और उन्हें रखने की इन फाइल्स, फाइल्स में, ही सेट एट हिज डेस्क, वह बैठा रहता था अपने डेस्क के ऊपर, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर फाड़ते हुए, काटते हुए, डे इन एंड डे आउट, दिन रात, सो पीपल थॉट, इसलिए लोग सोचा करते थे, दैट ही वॉज डूइंग नथिंग, कि वह कुछ नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पेज नंबर 61 पे, और 61 पे फर्स्ट क्वेश्चन है,
Why was the office boy frustrated? Who did he show his anger? Who did he show his anger on? वो frustrated क्यों था? ये हम पहले भी जान चुके हैं कि वो एक top screen writer बनने आया था, director बनने आया था, actor बनने आया था, वो बन नहीं पाया और वो क्या करता था? उन लोगों का makeup किया करता था जो भीड़ की भूमिका निभाते थे। फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? क्योंकि वो बन नहीं पाया। और अपना गुस्सा किस पे उतारता था? वो सारा का सारा गुस्सा जो है वो सुब्बू पर उतारता था। सुब्बू नंबर दो का व्यक्ति था, बॉस का सबसे नजदीकी व्यक्ति था, एसएस वासन का सबसे नजदीकी था। देखो, द ऑफिस बॉय डिड मेकअप ऑफ द एक्टर्स हु प्लेड द क्राउड, पढ़ चुके हम ये। He joined the studios. उसने स्टूडियो ज्वाइन किया था इन द होप इस आशा में टू बिकम ए टैलेंटेड स्टार डायरेक्टर और ए राइटर, कि वह टैलेंटेड स्टार बनेगा, डायरेक्टर बनेगा और राइटर बनेगा। सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए वह फ्रस्ट्रेटेड था। एंड सो हिज एंगर, एंड सोड हिज एंगर, और अपना गुस्सा उतारता था ऑन सुबू, सुबू के ऊपर, सुबू को लताड़ता रहता था पीछे से कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने सारा ऐसा कर दिया, ये है वो है। नेक्स्ट देखो, हु वाज सुबूज प्रिंसिपल, सुबू का मुखिया कौन था, सुबू का प्रिंसिपल कौन था? एसएस वासन जो बॉस था एक नंबर पे था, उसके बाद सुबू ही था, तो उसका प्रिंसिपल कौन हुआ? एसएस वासन। मिस्टर एसएस वासन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, मिस्टर एसएस वासन जेमिनी स्टूडियो का बॉस था। ही वाज द फाउंडर, फाउंडर होता है स्थापना करने वाला, वह था फाउंडर स्थापना करने वाला ऑफ द स्टूडियोज, उस स्टूडियो की। ही वाज ऑल्सो द एडिटर, वह एडिटर भी था, वह प्रकाशक भी था ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन, तमिल भाषा की साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकातन का वह एडिटर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, सुब्बू को बताया गया है मैनी साइडेड जीनियस, बहु प्रतिभा वाला व्यक्तित्व। लिस्ट फोर हिज स्पेशल एबिलिटीज, उसकी चार विशेषताओं के बारे में बताना है। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, सुब्बू को एक प्रतिभाशाली जीनियस कहा गया है। क्यों? बिकॉज ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, टेलर मेड उपयुक्त, फोर बतानी अपन को, अपन ने यहाँ पे फाइव लिखी है। ही वॉज टेलर मेड, टेलर मेड का उपयुक्त, फोर फिल्म्स फिल्मों के लिए, फिल्मों के लिए उपयुक्त था, इसलिए उसे मैनी साइडेड प्रतिभा कहा गया है। नेक्स्ट देखो, नंबर 2, ही वॉज लॉयल व ईमानदार पर्सन, व्यक्ति था टू हिज बॉस, अपने बॉस के लिए। ही वॉज ए पोइट एंड कंपोजर, वह एक कवि था और एक रचनाकार था, कंपोजर रचनाकार। नंबर 4, ही वॉज ऑल्सो ए फाइन नॉवलिस्ट, वह एक अच्छा उपन्यासकार भी था एंड एक्टर और एक्टर भी था। ही हैड ए जेन्युइन लव, वह रखता था वास्तविक प्रेम फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। ही कम केम अक्रॉस, जिसे वह मिलता था, जिस भी व्यक्ति से मिलता था उसके प्रति वह अत्यधिक प्रेम दिखाता था, ये उसकी जीनियस थी, ये उसकी प्रतिभा थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही हैं, लीगल एडवाइजर के बारे में। देखो 4 में क्या पूछा गया है, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द अपोजिट बाई अदर्स, दूसरों के वह विपरीत कैसे था? लीगल एडवाइजर वकील जो था जेमिनी स्टूडियो में, उसके बारे में पूछा गया है। दूसरों के विपरीत कैसे था? दूसरे एक दूसरे का सहयोग करते थे, ऐसा था वैसा था, लेकिन लीगल एडवाइजर जो है वो उनके अपोजिट था, क्योंकि वह हमेशा इधर उधर की करता रहता था, एक दूसरे की बुराई करता रहता था। नेक्स्ट देखो, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो में दूसरे लोगों से लॉयर कैसे अलग था, ये पूछा है। इन दोनों का मैंने सम्मिलित रूप से एक ही आंसर लिखा है, दोनों का, कोई भी क्वेश्चन आए अब वही आंसर लिख देना। देखो, द लॉयर, द लीगल एडवाइजर, क्वेश्चन में लॉयर शब्द आए तो लॉयर लिख देना और लीगल एडवाइजर आए तो लीगल एडवाइजर लिख देना। द लॉयर, द लीगल एडवाइजर वाज ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, पहली बात तो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था। अपोजिट किस लिए हो गया? स्टोरी डिपार्टमेंट में सारे के सारे कौन थे? राइटर थे, और वो क्या था? एडवोकेट। द लीगल एडवाइजर वॉज ए मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, ही डिड थिंग्स, वह काम किया करता था अपोजिट टू हिज नेम, अपने नाम के विपरीत। भाई एडवाइजर सलाह देने की बजाय उल्टी उनकी शिकायत किया करता था। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों से भिन्न था इन एवरी रिस्पेक्ट, प्रत्येक
क्षेत्र में प्रत्येक पहलू में ही क्रिएटेड लीगल प्रॉब्लम्स, वह लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। पी आर ओ बी एल ई एम एस, पी आर ओ बी एल ई एम एस, वह क्रिएट करता था प्रॉब्लम्स रेदर देन सॉल्विंग देम, उन्हें सॉल्व करने की बजाय। अपोजिट इसलिए था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम होता है एडवाइजर का, लॉयर का, और वो क्रिएट किया करता था। ही वोर डिफरेंट देन अदर मेंबर्स, वह कपड़े पहनता था दूसरे लोगों से डिफरेंट, अलग ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट कर लिया है। इस लेसन में शॉर्ट क्वेश्चंस काफी हैं, 17-18 क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।